सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूं आपकी होस्ट रिता सैफी और मैं हूं मोहम्मद यासर। हमारा आपका साथ बना रहता है मंडे टू फ्राइडे और आज भी आपके सामने मौजूद हैं बहुत सारी खबरों तबसरों में बाग तस्वीरों के साथ। दो दिन का वक्फा रहा, दो दिन के वक्फे में बहुत सारी हैपनिंग्स भी हो गई। आपको मालूम है जब फ्राइडे के बाद दो दिन के वक्फे के बाद आते हैं पीर वाले रोज़, तो बहुत सारी खबरों का जो है वो एक सिलसिला होता है, एक लाइन लगी होती है। और आई थिंक शायद ये तो सभी को अब अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में ही पता चल गया। और इस खबर के का आगाज़ में बात करने का मकसद ये है कि जो लोग इस गलत फहमी में रहते थे या जो लोग इस अगेन एक परसेप्शन क्रिएट करते थे कि जी उम्मा पूरी एक पेज पर है, उम्मा उम्मा करते थे, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उम्मा कितनी इस वक्त यूनाइटेड है, उम्मा कितनी एक पेज पर है और उम्मा किधर खड़ी हुई है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये बात समझने की है। और हमारे एक बड़ा अजीब सा मिजाज है कि बड़ी जल्दी दूसरों के ऊपर जो भरोसा भी कर लेते हैं, एतमाद भी कर लेते हैं और उनके हक़ में मुजाहरे भी करते हैं, उनके लिए रैलियां भी निकालते हैं। यही मिसाल अफगानिस्तान की भी है। अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक रहा है या पाकिस्तानी एम्बेसीज पे जितने हमले होते रहे हैं वो सबसे सब उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने हर हाल में हिमायत की दादर ममालिक की और हमेशा उनके आम मसाइल के हवाले से आवाज़ भी उठाई। फ़लस्तीन का मसला हो, दीगर मसाइल हो, हमेशा पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन उसके साथ क्या होता आया ये सबके सामने। वेरी अनफॉर्चुनेट आपके सामने है कश्मीर की सूरत हाल, और उस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखने के बावजूद अमारात ने भी मोदी को एक बड़े एजाज़ से नवाजा है सरकारी जी, और बहरीन ने भी एक बड़ा एजाज़ दे दिया है। बिल्कुल जी, ये दुनिया में पूरी एक मफादात की जंग इस वक्त जारी है और ये समझने की बात है, समझने की ज़रूरत है कि हर शख्स यहाँ पर सिर्फ अपने मफादात के तहफ़ के लिए काम कर रहा है, चाहे कोई मुल्क हो चाहे कोई इंफरादी शख्सियत हो, सब लोग अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अब हम पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इन मामलों को समझें और बड़े सोच विचार के बाद फैसले करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किन ममालिक से ताल्लुकात रखने हैं, किस पे एहतजाज करना है, किन पे मसाइल पर आवाज़ उठानी है, ये अब हमें समझ लेना चाहिए और किस तरह हमें एहतजाज करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी मेरे ख्याल से यहाँ इस बात का भी अदराक कर लेना चाहिए कि जो मईशत है उसका ताल्लुक हर लिहाज से हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। चाहे आप किसी भी फ्रंट पर जंग लड़ने जा रहे हों, वो चाहे दिमागी जंग हो, जज्बाती जंग हो, या आपकी टेक्नोलॉजी की जंग हो, या अगर आपको बैटलफील्ड ही क्यों ना लड़नी हो, उन सब में आपकी मईशत बड़े अहम किरदार अदा करती है। और अगर आपकी मईशत ठीक नहीं है, आपके मुल्क की मामलात ठीक नहीं है, मुल्क की हालात ठीक नहीं है, मुल्क में इंतशार है, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, ना पॉलिटिकल, ना सोशल, ना जिसे कहते हैं इंडिविजुअल, ना इकोनॉमिकल, किसी भी लिहाज से अगर आपके मुल्क में स्टेबिलिटी ना रिलीजियस वाइज किसी भी लिहाज से अगर स्टेबिलिटी नहीं है, तो वेरी अनफॉर्चुनेटली फिर उन ममालिक का वही हाल होता है जिस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है, तनह खड़ा हुआ है। अगेन फॉरेन डिप्लोमेसी की बात होती थी, बात होती थी कि जी बड़े अच्छे फॉरेन अफेयर्स और बहुत अच्छे फॉरेन रिलेशंस बिल्डअप हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आम की पेटियां देने से जिस तरह पीआर बताया जा रहा है कि बनती है, इसी तरह से आम की पेटियां बाहर देने से जो है वो पीआर नहीं बनती, उसके लिए आपको अमली इकदाम बहुत सारे करने पड़ते हैं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अपने लोगों को आप भले आम की पेटियां दें या उनको ट्रक भिजवा दें, उनके कहने से, उनके अच्छा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पूरी दुनिया के सामने जो आपका ये इमेज है उसको बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसका भी आपने तस्करा किया वो ये कि आपके जब तक माशी मसाइल ठीक नहीं होंगे, कि वो ममालिक हैं जहाँ पर आप जाकर भीख मांगते हैं वहाँ पर आप उनसे पैसे लेते हैं, तो जब भी वहाँ पर इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं, जब वो भारत की किसी शख्सियत को अवार्ड देते हैं, ख़ासतौर पर मोदी जैसे शख्स को अगर अवार्ड देते हैं, सरकारी एजाजात देते हैं,
تو آپ ایسے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی معاشی حالت اس وقت بالکل بھی درست نہیں ہے. یہی صورتحال رہی ہے جب اب گوادر کی پورٹ جب سے بننا شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے خلیجی ممالک کے اندر کچھ زیادہ انتشار پایا جاتا ہے, اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے یہ سارے اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. اور اب سمجھنا یہ ہے کہ آپ کو اپنی معاشی حالت درست کرنی ہے, کیا آپ کو اس ساری چیزوں سے باہر نکلنا ہے کہ آپ ان سے پیسے مانگنے کے لیے جاتے رہیں, ان کی گاڑیاں ڈرائیو کرتے رہیں, یا پھر واقعی آپ نے ان کو اس کا جواب دینا ہے, کیونکہ جواب تو آپ نے دینا ہے کیونکہ آپ پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جی آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ افغان شہر جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر دھماکہ ہوا ہے, 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. بالکل جی, جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانہ ہے, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں, اس سے پہلے متعدد مرتبہ ایسا ہو چکا ہے. بلکہ آپ دیکھتے آئیں, ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب بھی افغانستان میں حالات خراب ہوئے ہیں سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے پاکستانی امبیسی پہ ہوتا ہے, تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا. اور جیسا بھی بات ہو رہی تھی, افغانستان کے لیے پاکستان ہمیشہ کوششیں کرتا رہا ہے, امن کے لیے پاکستان کی جتنی کوششیں شاید خطے میں اور کسی کی نہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی جو جواب ملتا ہے وہ اسی طرح دیا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں تقریباً لاک ڈاؤن کا مسلسل 21واں روز اس وقت جاری ہے, اور عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. یہ ایک مہینہ ہونے کو آ رہا ہے, اور اب ایک اچھی بات کہہ لیں آپ یا بری خبر کہہ لیں, جس طرح سے بھی کشمیریوں پر جو ہونے والے مظالم ہیں ان کے عملی تجربہ کو دیکھنے کے لیے راہل گاندھی کل جو ہے وہاں پہنچے تھے, اور ان کی نوک جھوک بھی ہو رہی تھی وہاں کے انتظامیہ سے, جب انہوں نے کہا کہ جی مجھے آگے جانے دیا جائے, مجھے کشمیر کے وزٹ پہ جانے, مجھے حکومت نے بلایا ہے, وہ بار بار کہتے رہے ہیں. وہ ویڈیو بھی ان کے اس وقت وائرل ہوئی ہے بہت زیادہ, اور اس کا ہم نے دیکھا بھی, ان کے نیوز چینلز پہ سارے دیکھ رہے تھے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ اپوزیشن میں راہل گاندھی صاحب اس وقت, اور وہ بار بار وہاں کی انتظامیہ کو کہے تھے کہ حکومت نے بلایا اور اگر سب معاملات ٹھیک ہیں سو وائی یو ناٹ الاؤنگ می ٹو گو دیئر, آپ کیوں ہمیں روک رہے ہیں, کیوں بیریئرز لگا رہے ہیں. بہرحال ان کا اسٹیٹمنٹ تھا, انہوں نے کہا کشمیروں پر ہونے والے مظالم کا عملی تجربہ ہو گیا ہے. بالکل جی, یہ بھارت کے ایک عام رہنما اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, تو اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جو جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار بنتے ہیں, سب سے بڑے چیمپئن بنتے ہیں, ان کے یہاں صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ اپوزیشن کو بھی وہاں پر جانے نہیں دیا جا رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس ساری صورتحال پر خاموش کیوں ہے, اور ایک سوال اپنے لوگوں کے لیے بھی کہ میس ٹی وی پروگرامز پہ تقریبات کے اندر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا دینے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس میں آپ کو کیا عمل کرنا پڑے گا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جی آپ کو بتا دیں کہ وفاقی وزیر برائے سائنس ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان ملک کشمیروں کا درد محسوس نہیں کرتا تو کیا کہا جا سکتا ہے. بالکل, کیا کہا جا سکتا ہے, اور یہ بھی آگے اس کا اضافہ کر دیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم تو اس پوزیشن میں ہیں نہیں, کیونکہ ہماری معاشی صورتحال ایسی ہے نہیں کہ دنیا اس وقت ہماری بات سنے گی. پورے خطے میں اس وقت جو سب سے کمزور معیشت ہے وہ بھی ہمارے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی انہیں کی حکومت میں ہے. جی آگے بڑھیں. آپ کو بتا دیں جی کہ مودی کو اعلیٰ ترین اعزاز دینے پر چیئرمین سینیٹ یو اے ای کا دورہ منسوخ کر دیا ہے. بالکل جی, مؤثر جواب ہے, کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس طرح کوششیں ہوتی رہیں گی تو شاید ان کے اوپر, ویسے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لیکن اس سے شاید آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو جائے. جی وزیر ریلوے شیخ رشید مجھے لگتا ہے بھارت کے ٹک ٹاک سے بہت زیادہ مشہور ہوئے, مطلب بہت زیادہ انسپائر ہوئے ہیں, سوری, جو ٹک ٹاک ہم نے بیچ میں دیکھا تھا, خاتون نے بنایا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ اسی سے انسپائر ہو کے انسپریشنل اسٹیٹمنٹس لیتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے اپنا گولہ بارود شب برات پر پھل جڑیاں چھوڑنے کے لیے نہیں رکھا. بالکل جی, اسی طرح کی بیانات دیتے رہتے ہیں, لیکن وزیر موصوف سے پھر سوال ہے, شاید آپ لوگ بھول گئے لیکن ہم نہیں بھولے کہ ٹرینیں 8-8 گھنٹے لیٹ ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کیونکہ 90 کے قریب حادثات ہو چکے ہیں چھوٹے بڑے, ان کا ابھی تک جواب نہیں دیا گیا, اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے اسی وزارت کے اندر, لیکن ابھی تک وزیر موصوف یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ان سارے واقعات کے ذمہ دار ہیں, یا ان کی نظر میں کوئی بڑا واقعہ ابھی تک ہوا ہے جس کے اوپر, اور جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے 8-8, 10-10 گھنٹے. آئی ایم وٹنس, ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو سے وہ آئے ہوئے تھے, ان کو جانا تھا بائی ٹرین, غلطی ہو گئی, انہوں نے سر پکڑ لیا کہ غلطی سے جی وہ کر لیا, ٹکٹ نہیں مل رہا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم 10 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے اسٹیشن پہ, فلائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے, تاخیر ہو رہی ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ چلے گی تو کب چلے گی, تو اتنے میں تو بہتر ہے کہ ہم واپس, انہوں نے پھر ایئر ٹکٹ ہی کرایا اور اسی سے گئے, تو یہ حالت ہے. امیجن, بالکل جی, یہ وزیروں کی پرفارمنسز ہیں. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں بھارتی فوج مارنے اور کشمیری احتجاج کے لیے تیار ہے, سید علی گیلانی کہتے ہیں. بالکل جی, علی گیلانی صاحب اس سے پہلے بھی تمام چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کیا کر سکتا ہے, جیسے ایک وزیر فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کہا جا سکتا ہے, تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے. جی
पाकिस्तान फ्रीलांस मार्केट में तेज़ी से तरक्की करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क करार हो गया है। अच्छा जी, फ्रीलांस मार्केट क्या होती है ये पहले आपको बताना पड़ेगा, और किस तरह चौथे नंबर पर आया है, और बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान जो है वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर भी है, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे जी। आगे बढ़े, आपको बताएं, खतरात से बखूबी आगाह है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नज़र है, आर्मी चीफ कहते हैं। बिल्कुल जी, खतरात से वाकिफ़ हैं और यकीनन काम भी कर रहे हैं, सोच विचार भी हो रही है, कम से कम एक जानिब से तो लगता ही है कि वाकई संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है। बाकी तमाम हलकों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह की इस वक्त कोशिश हो रही है उसमें बिल्कुल भी संजीदगी नज़र नहीं आती। आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने गवर्नर हाउस नथिया गली आवाम के लिए खोल दिया है। बिल्कुल जी, अब तक जो आवाम के लिए सबसे बड़ी जो खिदमत आवाम की हुई है, जो सबसे बड़ा आवाम को रिलीफ दिया गया है, वो शायद यही दिया गया है कि गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउसेस की जो इनको सैर करवाई जा रही है, और शायद इससे ज़्यादा रिलीफ अब जो है वो ना दिया जा सके जी। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी मुतालिका सर्विसेज की आजमाइश शुरू हो गई है। बिल्कुल जी, ये साउथ ईस्ट एशिया में एक बड़ी खबर इसको समझा जाता है, अगर हम चाहते तो इसको हाईलाइट कर सकते थे और ये बता सकते थे दुनिया को कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ें, और यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। 5G जो फिफ्थ जनरेशन सर्विसेज हैं उसका कामयाब तजर्बा किया गया है, तो दुनिया में अभी तक इसका तजर्बा वैसे तो किया जा चुका है लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, तो यकीनन एक बड़ी कामयाबी है और इसको उजागर करने की ज़रूरत है जी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने ख़ुद को बेनकाब कर दिया और वो जो वादे करते हैं उसका उलट करते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे थे। बिल्कुल जी, अपोजिशन की जानिब से अभी तक सिर्फ इसी तरह के बयान आ रहे हैं, और बात तो दुरुस्त है कि अब तक जो फैसले हो रहे हैं वो लगता ही है माजी में जिसके बारे में कहा करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए वही सब कुछ हो रहा है जी। नवाज शरीफ तौबा कर लें, आधा पैसा दे दें, रिहाई की जमानत दे सकता हूँ, वफाकी वज़ीर दाखला ब्रिगेडियर रिटायर जाशा कहते हैं। वो जो टेलीविजन इंटरव्यू एक नज़र से गुजरा उसके अंदर ये बातें वो कह रहे थे, सबसे ज्यादा यही आज इसी खबर के सबसे हर ये इंटरनेशनल अखबार भी जरीदे भी लगा चुके हैं इसकी, ये मेन लीड है आज की। तो ये बार्गेन के लिए वजीर दाखला साहब उनको ऑफर दे रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि वो किन बेसिस के ऊपर ये ऑफर दे रहे हैं। एक बड़ी क्रिटिकल सी एक बात है कि वजीर दाखला किसी को ऑफर क्यों दे सकते हैं जब एक इदारा मौजूद है, उसका एक तरीकाकार है, कुछ कवानीन है, तो आप किस तरह किसी को ऑफर दे सकते हैं, सोचने वाली बात। जरदारी साहब के 5,000 अकाउंट्स निकले हैं, फवाद चौधरी कहते हैं, जबकि फजल रहमान कहते हैं इस तरफ के कश्मीर को बचाने के लिए भी हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। बिल्कुल जी, पहले तो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट के पता नहीं कितने 5,000 कोई अकाउंट्स निकले हैं, और FBR के जो चेयरमैन हैं वो जो 200 अरब डॉलर इससे पहले आप जिसके बारे में गला फाड़ फाड़ के चीखते रहते थे कि बाहर मौजूद हैं वो कहाँ हैं, ज़रा चेयरमैन साहब से वो पूछ लें कि वो 200 अरब डॉलर एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते, उसके बारे में पहले पता लगाएं, फिर इन 5,000 अकाउंट्स के बारे में बात कीजिएगा जी। अली जैदी का कराची का फजाई जायजा, सफाई मुहिम पर इजहार इत्मीनान, अब तक 48,000 टन कचरा नालों से निकाला जा चुका है। वफाकी वज़ीर जैदी, निकाला तो जा चुका है लेकिन वो कहाँ बाहर पड़ा हुआ है, ये मैं कल पूरे शहर का जो है वो विजिट किया और दिखा है कि जो हालत है, अल्लाह माफ करे, क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप लोग। आप देखें तो जिस तरह से आप कहते हैं तुम्हारे बाप का रोटी, इसी तरह से आप बिल्कुल ही बकवास बातें कर रहे हैं। आप लोग के लिए यही अल्फाज रह गए हैं क्योंकि वो जो निकाला है आपने लिटरली वो उस तक साइड तक लेके नहीं जा रहे हैं, ये और साइड में ही पड़ा हुआ है, उससे और बीमारियां हो रही हैं। और ये जो मक्खियां हैं जी, इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि कराची की मक्खियों में खतरनाक जरासीम की मौजूदगी का इंकशाफ है, बदतरीन सूरत हाल और इमर्ज हो रही है इस वक्त। और ऊपर से उधर मेयर कराची के फरमाते हैं मौसूफ के जी, स्प्रे खत्म हो चुका है, स्प्रे खरीदने के पैसे नहीं है। आई मीन व्हाट बुलशिट डू पीपल आर डूइंग विद द पीपल ऑफ कराची। बिल्कुल जी, ये माजी की एक बात याद आ गई, माजी में ऐसा होता था कि एक वजीर आजम थे वो फजाई दौरा करते थे और वो 60,000 फीट की बुलंदी से नीचे देखकर बता देते थे कि अमन अमान की सूरत हाल कराची की कैसी है। तो बिल्कुल अली जैदी साहब ने बिल्कुल ऐसा ही किया, इन्होंने भी 60-70 हज़ार फीट की ऊंचाई से नीचे देखकर बता दिया कि कराची बिल्कुल साफ हो चुका है। तो ये कमाल किया आपने वाकई, और यहाँ से आपको और नीचे बहुत सारी चीज़ें नज़र आई होंगी, तो यकीनन एक बड़ी कामयाबी आपके लिए। बाकी सफाई हो गई, अगर इसकी आपने सूरत हाल का जायज़ा लेना है तो ज़रा कराची शहर दुनिया के बड़े शहरों में इसका शुमार होता है, और जाकर कभी गलियों में चक्कर लगाएं तो आपको पता चलेगा। अपने हल्के से निकलें, ज़रा वाली जो साइड है ना पुल के इस पार, वहाँ जाकर देखें आपको पता चलेगा क्या सूरत। FATF अहदाफ की तकमील में मुआवनत के लिए आला सतह कमेटी कायम, क्योंकि एक मरतबा फिर ट्रंप डू मोर का नारा लगा चुके हैं। बिल्कुल जी, ये नारे लगते रहेंगे, और बात वही है जो अभी गुफ्तगू के आगाज़ में बात हुई थी कि आपकी माशी हालत ऐसी नहीं है कि आप इस वक्त दुनिया से अपनी कोई बात या कोई शराइत मनवा सकें। फ्रांस में G7 रानुमा कॉन्फ्रेंस के मौके पर 1,000 मुखालफीन का एहतजाजी मार्च रिगार्डिंग दी कश्मीर। बिल्कुल जी, एहतजाजी मुजाहरे होते हैं और ये किस तरह होते हैं,
इसमें ना सिग्नल टूटते हैं, ना इसमें ट्रैफिक को रोका जाता है, ना एम्बुलेंसेस का रास्ता रोका जाता है, ना अपने शीशे तोड़े जाते हैं, फिर भी एहतजाज होता है और टायर जलाए जाते हैं। एग्जैक्टली, रिकॉर्ड करती है, ये ज़रूरी है जी। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जी, इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो जी आपसे भी बात करेंगे। कराची पे हम सबसे पहले कर चुके हैं प्रोग्राम जी वजीर साहब को लेके। बहरहाल आज के वार्डरोब की बात करते हैं। आज का वार्डरोब हमें स्पॉन्सर किया है हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली एंड शहबाज अली ने जी, और इनकी जो आउटलेट है वो है लेविश मॉल तीन तलवार पर, और रेड एंड ब्लैक बनाया गया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी, और बहुत ही अच्छा बनाया गया है, और आप देख सकते हैं जी कट्स पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया हुआ है ड्रेस, और ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन एक पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है। हाउस ऑफ फैशन डॉट पी के नाम से इनकी वेबसाइट भी है, और साथ ही साथ ऑनलाइन स्टोर भी है, फेसबुक पे भी इनका जो है वो पेज है, और इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है, और हाउस ऑफ फैशन के नाम से इनकी जो ऑनलाइन स्टोर है उसका भी एड्रेस चल रहा है, नंबर भी चल रहा है, तो आप गिवन नंबर्स पे जो है डेफिनेटली ऑर्डर अपना बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं और जा भी सकते हैं फिज़िकली लेविश मॉल में, एज़ आई हैव टोल्ड यू के जी तीन तलवार पे बहुत ईजीली इनकी आउटलेट है। तो थैंक यू सो वेरी मच हाउस ऑफ फैशन आमिर अली एंड शहबाज अली, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत सा जी ड्रेस आज के दिन के हवाले से हमें भेजा। तो इसी के साथ ब्रेक पे चलते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बात हुई कुछ खबरों के हवाले से, आम खबरें आपके साथ शेयर की और उसी के ऊपर आप प्रोग्राम में तफसील से गुफ्तगू करेंगे जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हम बात कर रहे थे जी कराची के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, और जी इस हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, जो इस वक्त ओवरऑल मुल्क की जो डिप्लोमेसी चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है, उसका शख्साना हमारे सामने है। अब ये भी नहीं कह सकते कि जी अगर हम तारीफ़ कर रहे हैं तो जी कोई फ़लाँ गद्दार है, कोई ये है वो है, आपके सामने सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रियलिटी हैं, और मेरे ख्याल से अब हमें अपने कॉन्सेप्ट चेंज करने की अशद ज़रूरत है। दिस इज़ द टाइम वेयर वी स्टैंड एंड वी जस्ट वांट टू चेंज अवर कॉन्सेप्ट, और अगर आज भी हमने अपने कॉन्सेप्ट नहीं बदले और लोगों को नहीं तौर से सही समझाया या बताया जो असल हकाइक है, और झूठ बोलते रहे इस कौम से, इस अवाम से, तो मेरे ख्याल से और मज़ीद जो है वो हम ही नुकसान उठाएंगे आगे जाके। बिल्कुल आपने सही कहा, एक तो झूठ बोलने की आदत हमारी ऐसी है कि हर चीज़ में हम झूठ बोलते हैं, अपने लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, उनको हकाइक से आगाह नहीं करते, और दूसरी तरफ एक बात आपने जो प्रोग्राम के आगाज़ में कही थी कि मौशी आपके मामलात जब तक ठीक नहीं होंगे, यही बॉटम लाइन है, यानी कि यही वो बात है जिसको आप समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये वो मालिक है जो मिडिल ईस्ट की जितनी रियासतें हैं जिनके पास आप जाते हैं, कभी आप उनकी गाड़ी ड्राइव करते हैं, कभी आप उनके पास पैसे लेने के लिए जाते हैं, आप उनसे डिमांड कोई नहीं कर सकते। और इससे पहले भी जब ये पूरी ओआईसी और इसके किरदार के हवाले से बात होती है, पिछले 70 सालों में जो उनका किरदार रहा है कश्मीर के हवाले से, कितने ऐसे एहतजाज हैं जो इन ममालिक की जानिब से किए गए हों या वहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया हो कश्मीर के हक़ में, जो किसी ने आवाज़ उठाई हो। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा इस्लामी दुनिया का मुल्क है जहाँ पर दुनिया के किसी भी खत्ते में कहीं पर भी जुल्म हो, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई जाती है, चाहे वो फ़लस्तीन हो या कोई भी बोस्निया के हवाले से होते थे, इसके अलावा बहुत सारे और दीगर ममालिक में जब भी मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई, सबसे पहले उस पर एहतजाज पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के ऊपर, वैसे तो किसी चीज़ पर हमें फ़ख्र नहीं होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ पर फ़ख्र होना चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए आवाज़ उठाते हैं, और जहाँ पर भी जुल्म होता है उसके लिए हमेशा पाकिस्तान पहल करता है आवाज़ उठाने में। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब भी इस्लामी दुनिया की बात होती है, बड़ी एक अजीब सी बात समझ में ना आने वाली बात है, कश्मीर के मामले के ऊपर एक बड़ी अजीब सी खामोशी जो अख्तियार किए रखते हैं, और साथ साथ हमेशा, ये कोई पहला वाकया नहीं है कि जब इस तरह की बात हो पाकिस्तान पे, जब भी इस तरह कश्मीर के हवाले से जब कोई इस तरह का मौका आया है, जिस वक्त पूरी दुनिया की इस वक्त साथ की ज़रूरत है, वहाँ पर इस तरह के इकदाम किए जाते हैं, इस तरह मैसेज दिया जाता है। ये जो अवार्ड देने का मकसद है, एक मैसेज देना होता है, ये एक मैसेज आपको दिया जा रहा है जिसको आप समझने की ज़रूरत है। बहरहाल जी, जैसे वफाकी वज़ीर साहब फरमा रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, कि हम इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, तो बिल्कुल आप कुछ भी नहीं कह सकते, ना कुछ कर सकते हैं। आप भी तमाशा देखिए, हम भी तमाशा देखते हैं जी। ऐसे ही तमाशा है जैसे कि इसराइल ने कर रखा है फ़लस्तीन के साथ, बिल्कुल ऐसा ही,
فلسطین پہ جب کچھ نہیں کر رہے تھے اس پہ بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب آپ شام میں آپ کچھ نہیں کر سکے ٹھیک ہے آپ کی سوری ٹو سے فوج اس وقت ہے جا کے سعودیہ کی جنگ لڑنے کے لیے امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں سعودیہ کی جنگ لڑنے کے لیے یمن میں تو آپ کی جو فوج ہے وہ پھر نہ شام میں وہ اس طرح کا رزلٹ دے سکی نہ آپ جو ہے وہ فلسطین میں اس کو اسٹاپ اپ کرا سکے اور اب آپ کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے معاملہ اور اوپر سے اس شخص کو جو بربادی کر رہا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے وہ تو اوارڈز حاصل کر رہا ہے ہر طرف سے پوری دنیا میں تو میسج یہ جا رہا ہے کہ وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو آپ کو اوارڈ ملا اور اس پہ ایک بڑے ہی کوئی ہمارے یہاں سے جو میں نے کہا نا کلنکار مہان قسم کے جو کچھ لوگ بٹھائے جاتے ہیں ان کا ایک صاحب کو میں ٹویٹ کر دیکھ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اسرائیل سے اب دوستی کرنی پڑے گی اور یہ اور وہ اور اس طرح کی باتیں اور اس وقت پاکستان کو سوچنا پڑے گا وسیع تر مفاد اور یہ وہ وہ اس طرح کی اسٹپٹ قسم کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے بالکل اور وہ یہ مہانتا ہے میں نے آپ کو کہا نا یہ پرسپشن بلڈ کرنے کے لیے اور ان کی ابھی دو دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے جس کے چرچے بڑھے پھر اس کے بعد وہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے پھر وہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ وہ اسیسینیشن میں ہمارے ایک بڑے ہی بڑا ایسٹ تھے ہمدرد کے بانی اور کس طرح سے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا ان کی بک میں انہوں نے کیا لکھا تھا پہلے ہی تو وہ بار بار لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے تو دس از سیناریو اور آپ کے سامنے انفارچونیٹ بڑا برحال ایک کالر کو پہلے لے لیں پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں مزید السلام علیکم کون بات کرے کہاں سے السلام ریاض خان بول رہا ہوں مہاراج کالونی کراچی ریاض خان صاحب فرمائیے کیا کہیں گے یہ جو مودی سرکار کو انہوں نے ایوارڈ دیا ہے یہ بہت شرم کی بات ہے اور ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں کہ یہ ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں اور یہ ہمارے دشمن کو جو ہے کس موقع پہ ایوارڈ دے رہے ہیں یہ آخر دنیا میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ غلط ہیں اور وہ صحیح ہے لیکن تاریخ میں ان کا نام بڑے ہی سنہرے حروف میں لکھا جائے گا کہ یہ اسلام کے غدار تھے یہ میر جعفر اور ابو داؤد کے نام پہ ان کا نام لکھا جائے گا میرا دل کہتا ہے کہ اس ٹائم ہمیں کشمیر کے ساتھ پورے عالم اسلام کو کھڑا ہونا چاہیے ہم ان کو ایک ان پہ کبھی بھی وقت آیا پاکستان نے ہمیشہ ساتھ دیا آج کشمیریوں پہ وقت ہے آج تو یہ ان کو گھر بلا کے اعزازات دے رہے ہیں نہایت شرم کی بات ہے یہ کون سا کن میں دین کہہ رہا ہے بھائی کیا اگر کسی دشمن کے گھر میں بھی کوئی غلط ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دشمن بھی کن میں توڑا ہو تم تو ہمارے بھائی ہو کے یہ کام کر رہے ہو کشمیری کیا سوچتے ہوں گے کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی 20-22 دن سے اوپر ہو گئے نہ کھانے کا پتا نہ پینے کا پتا نہ دوائیوں کا پتا آپ کے گھر میں اگر ایک دن بچے کا دودھ نہ ایک دن اسٹائک ہو جائے دودھ کی تو ہمارے حالت بری ہو جائے بہت شکریہ ریاض بھائی بہت شکریہ وقت کیونکہ محدود ہے آپ کی بات بالکل سمجھ گئے آپ کی بات ٹھیک ہے ایک سوال کا جواب آپ بھی دیجیے گا ذرا بیٹھ کے سوچیے گا کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ کتنے پاکستانی ہیں جو روزگار کے اصول کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں آپ ذرا یہ بات سوچیے گا اور اس کے بعد اگلی دفعہ جب آپ کال کریں تو ضرور اس بارے میں بتائیے گا بہرحال سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جیسا آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ کیونکہ ہماری معاشی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم فیصلے لے سکیں تو ہم اس پوزیشن میں بالکل اور میرے خیال سے اخلاقی سوشل اعتبار سے پولیٹیکلی ہمارے پاس اسٹیبلٹی کس چیز کی ہے بالکل کون سے لحاظ سے یہاں پہ کون کس کا دکھ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں میں ایک عام جو ہے وہ انسان کے عام آدمی کے کچھ ٹویٹس اور سوشل میڈیا کے فیس بک کے اسٹیٹس دیکھ رہی تھی اور یہ کوئی وہ نہیں کہ جی جید عالم اور اس طرح کے لوگوں ایک عام فہم لوگوں کے میں تھوڑے سے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی سامنے والے انہوں نے کہا کشمیر کو کیا بچائیں گے اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں آپ بالکل صحیح بات ہے بالکل آپ نے ٹھیک اب کشمیر کی بات کر رہے ہیں ہم وہاں ڈپلومیسی نہیں کر سکے آپ فیل ہو چکے ہیں عام لوگ لکھ رہے ہیں یہ بات آپ کی عام عوام اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکی ہے آپ فیل ہو چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور آپ وہاں کیا جائیں گے آپ پہلے اپنے ملک کا تو حال دیکھیں جہاں نہ کھانے کے لیے روٹی ہے دو وقت کی میسر نہ پانی ہے پینے کو نہ آپ کا یہ حال ہے کہ آپ مچھر مکھی کا اسپرے نہیں کر سکتے جہاں آپ کچرا نہیں اٹھا سکتے وہاں آپ کشمیر کی کیا باتیں کریں گے یار بالکل آپ نے ٹھیک کہا لائیو کالر ایک ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی السلام علیکم جی رخسانہ زیدی فرمائیے مجھے تو یہ پوچھنا ہے کہ مجھے سب کو یہ افسوس ہے ہم لوگ کو بھی بے انتہا افسوس ہے بے انتہا افسوس ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کشمیر کی بات
अरब ममालिक को नहीं पहुंच रही, मुस्लिम उम्मा को नहीं पहुंच रही, क्या वो लोग नहीं देख रहे, वो क्या इस दुनिया से कटे हुए हैं, क्या हो गया उनको, क्या उनको हो गया कि वो हम लोग के तो यानी कश्मीर की बात, मुसलमानों की बात क्या छोड़ के, और ये कि कैद हुए मुसलमानों को छोड़ के उन्हीं को दे रहे। बहुत शुक्रिया रुखसाना साहब, हकीकत है ये, और क्या है हकायक आपके सामने, तलख हकायक हैं जो कि हमारे आपके सामने, और आई मीन सीरियसली इट्स वेरी हार्ट रेंचिंग सिचुएशन जो हम देख रहे हैं इस वक्त, नज़र आ रही है, और उसकी उसकी असल वजह ही यही है कि आप खत्ते में पीछे रह गए हैं, इकोनॉमी में भी हर लिहाज से, पॉलिटिकल वाइज भी, लोगों को पता है इस मुल्क में क्या होता है क्या नहीं होता, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये वो, आप हर लिहाज से तो बदनाम हो चुके हैं, मुनाफिक लोग आप कहलाए जाते हैं, दो नंबरी में आप मशहूर हैं, ठीक है, अभी भी आप देखें क्या हुआ, एक सहाफ़ियों का वो इतनी बड़ी तंजीम बनाना और ये करना वो करना, उसके बाद आप देखें वो मुल्क जो आप पे बेतहाशा ब्लाइंड ट्रस्ट करता था उसके उस चक्कर में आप देखें आपका नाम एक तरफ से और डैमेजिंग हुआ, वो जो एक मुल्क रह गया था टर्की, मेरे ख्याल से वो भी बड़ा रेजिस्ट करेगा, वो भी देने में चीज़ें आपको वीज़ा देने में, चीज़ें करने में, बुलाने में, तो आप किस तरह जहाँ जो आपको पर ट्रस्ट कर ले आप उसी की जो है वो ऐसी तसी कर देते हैं, तो वो अगली दफ़ा कहाँ ट्रस्ट करेगा या क्या करेगा। आप ये देखें ना जो कुरान में और जो मजहब में आपको चीज़ें प्रीच की हैं वो सारी चीज़ उससे तो वायलेशन आप कर रहे हैं, और वो जिनको आप यहूदी कहते हैं या जिनको आप काफिर कहते हैं, इस्तग़फ़िरुल्लाह, आप अपनी ज़बानों से बातें करते हैं तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी प्रीचिंग वहाँ ज़्यादा हो रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ वाई वो लोग कामयाब हैं आज को। आप दो नंबरी में नंबर वन, आप चोरी चकारी में नंबर वन, मिलावट में नंबर वन, धोखा दही में नंबर वन, हम तो दो नंबर लोग हैं, बिल्कुल आपने जिसको कहते हैं ना सख्त तरीन, हम तो मुनाफिकीन में हैं, मुनाफिक लोग हैं हम, ये कौम एक मुनाफिक कौम है जिसका ये हशर हो रहा है आज को। बिल्कुल आपने ठीक है, एक कॉलर इस काबिल भी नहीं है कि लोगों से अपनी बात मनवा ले, ना आप मुत्तहिदा अरब अमारात से अपनी बात मनवा सके, ना आप सऊदी अरब से अपनी बात मनवा सके, कौन से मुल्क से आप अपनी बात मनवा सके, और जब जाके बहरीन ने भी जो है वो दे दिया अवार्ड, आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है जी, कॉलर है जी, कैसे खैरियत से जी? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा रिजा ने ग्राउंड का चोट का एक चीज भूल गए, करप्शन में जो नंबर वन है हम जी, वो सबसे ज्यादा जो है। अच्छा मैं कुछ चीज कहना चाहता हूँ, मगर रियाज खान साहब ने वो शायद सारी बातें आपसे कह दी ना, तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं। हाँ जल्दी अशरफ, टाइम बहुत कम है जी। मैंने सिर्फ अब सिर्फ कांची के मसले पे आ जाओ, सफाई का मसला चल रहा है, तो मैं सफाई के बदले एक प्राइवेट कंपनी को लिया है, फिर वो कोई काम करके फिर कौरंगी में इतनी बड़ी जगह है वहाँ कोई टाउन बनाने गए, फिर बेकार हो जाएगा सारा मसला, ये है सारी बातें जी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कॉल कर रहे थे हमारे कॉलर जो प्रोग्राम देख रहे हैं, वक्त हमारे पास क्योंकि महदूद रह गया, देखने वाले जल्द जल्द प्रोग्राम में कॉल करें ताकि आपसे बात हो सके, और उसके बाद फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना होगा। आज मंडे है और मंडे के दिन हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें आपकी बीमारियों के हवाले से हम बात करते हैं, और इसके ऊपर हम नेक्स्ट सेगमेंट में ज़रूर बात करेंगे, उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं जी। कॉलर को भी ले रहे हैं, और अच्छा पहले कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉल बात करें कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं अली मेहंदी कराची से बात कर रहा हूँ। अर्ज है कि एक बुजुर्ग बहन होगा कश्मीर से बुला रहे हैं मुसलमानों को, और ये हमारे पाकिस्तानी आप सही कह रही हैं मुनाफिक हैं जो काम नहीं आ रहे, और जैसे सऊदी अरब का देख लें ये वाकई में मुनाफिक लोग हैं। आप अमरीका के पास तो जा रहे हैं मदद के लिए, मान जाए वो बुजुर्ग रहनुमा कश्मीर के बुला रहे हैं, इतने परेशान वो परेशान है, तो हमें हमारे वो फर्ज वाजिब हो गया है कि हम मुसलमानों कश्मीरी मुसलमानों की मदद करें। बहुत शुक्रिया अली मेहंदी, आपने प्रोग्राम कॉल की, और मैं आपको जिस तरह बता रही थी कि इजराइल की वो फिर बात उठ रही है आपके सामने जी, सिचुएशन बिल्ड की जा रही है ऐसी या क्या हो रहा है उसके तनाजुर में अब ये इस तरह बात हो रही है। और जी मैं आपको नाम भी दे रही थी ऐसे क्या कि मोहम्मद सईद साहब की वो किताब जिसका बार बार रेफरेंस दिया जाता है कि किस तरह यहूदी लॉबी को कहा जाता है कि जी उन्होंने अपनी किताब में लिखा, बड़े ही जैसे कहते हैं कि जैद आलम साहब थे हकीम मोहम्मद सईद, उनका नाम किसी ढका छुपा नहीं है, जो कहा जाता है असैसिनेशन के पीछे भी कुछ इसी तरह के मोहरिकात थे जिसकी वजह से हुआ, और आफ्टर दिस बुक एक तहलका मच गया था पूरा, आपको पता है यूरोप में भी सब तरफ जब लोगों ने ये पढ़ा, और उसके 365वें सफ़े पर मेरे ख्याल से ये है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जी किस तरह सुनने इमरान खान साहब के बारे में जिक्र किया था। बहरहाल
हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, एंड अगेन उनके ये भी मैंने कहा ना परसेप्शन बिल्ड करने वाले एंकर जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो वो ट्वीट कर रहे हैं बाकायदा इस बारे में कि जी इसराइल से दोस्ती करनी चाहिए, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जी ये हो गया और पाकिस्तान के वसी तर मफाद में एक मरतबा फिर तो ये गोली फिट कर करके पाकिस्तान के वसी तर मफाद की। ये इनका जो परसेप्शन है, सॉरी इसको आप महफूज कर लें, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम देते हैं आप इनको अभी सेव करके अपने पास रख लें, और अब जब ये हुकूमत जाएगी उसके बाद ये ट्वीट्स आप पढ़ लीजिएगा, और नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आएगी उसके बाद इनको मैच करके देख लीजिएगा। तो इनके लिए बहुत काफ़ी है ऐसे इसाफियों के लिए जो इस तरह के पैगाम इस वक्त दे रहे हैं। एवरी नाउ एंड देन इनका परसेप्शन चेंज होता है। एक साथ बैठ के वो शहबाज गिल साहब जो है इंतहाई बदतमीज आदमी, वो जो कभी सास थी कभी बहू के तर्ज पर कभी पहले वो दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं, कभी कहाँ से इंस्पायर हो के भारत से के ड्रामे से इंस्पायर हो गए, कुछ नहीं तो भारत के स्टार प्लस के ड्रामे से ही इंस्पायर हो गए, वहाँ से वो दिखा रहे हैं पंजाब हाउस, फिर वो बैठ के इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, कह देते एक वन वर्ड में, और फिर एंकर की तजलील कर रहे हैं, और आगे से यूथिये इतने माशाल्लाह जहीन कौम है यूथिया कि उनके पास, और इतनी फारिग कौम है कि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, एक एंकर की पर्सनल हैसियत में जाके उसको जो है फिर सोशल मीडिया पे सब छेड़म चाड़ी करने में लगे हुए कि तुम फलानी हो, तुम ये हो, तुम वो, मतलब ये औरत आप कश्मीर की औरतों की इस्मतें बचाएंगे जाके, हैं ये काम करेंगे आप वहां पे जाएंगे, आप पहले अपने घर की औरतों की तो बचा लें जो जिनको आपने नंगा कर दिया, इबादत के साथ ये लफ्ज मुझे इस्तेमाल करना पड़ा सोशल मीडिया पे, जिनकी निगाह में आपकी इज्जत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही एक मतलब एक हुकूमती नुमाइंदा जो है अपने उसके लिए वो वहां पे तजलील कर रहा है जिस तरह के उन्होंने अल्फाज और पातिस से, दैट इज कंडेमनेबल बिल्कुल। ये बात सिर्फ इसलिए नहीं है, चाहे कोई मर्द भी वहां बैठा होता, इज्जत सबकी है भाई, आपको बिल्कुल अकल ही, आपसे सवाल हो रहा है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप बातें क्या कर रहे हैं, आप कह दें आम की पेटी गई है वो तो जायज उसमें गई और जायज उसमें नहीं गई, तो आप बता देना आवाम को, उसमें सरकारी नंबर आगे दिए हुए, सरकारी नंबरों से फोन कर रहे हैं आप, एक पर्सनल हैसियत में अगर कोई किसी को भेजवाता है तो पर्सनल नंबर से फोन करता है और पर्सनल कैपेसिटी में भिजवाता है, सरकारी उससे आप फोन करेंगे और सरकारी उससे देंगे, और बाकायदा चीफ मिनिस्टर हाउस से जाएगा, या तो उनके घर से जाता चीफ मिनिस्टर साहब के घर से जाता, वो पर्सनली फोन करके कहते हैं कि इट्स गिफ्ट इट्स फ्रॉम माय पॉकेट, आप ये सरकारी से कर रहे हैं, आप आवाम के पैसे पे कर रहे हैं, ये शहबाज गिल साहब यही पहले चीखे मारते थे कि जी नवाज शरीफ ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ ने कर दिया, जरदारी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, आज वो चीखे आप पढ़वा रहे लोगों की और बकवास करते हैं आगे से बैठ गए सारे। जी किस्सा ये मुख्तसरन आपको बता दें कि ये एक हुकूमत का एक पसंदीदा चैनल है और उसके जो सारे एंकर्स हैं उनको जो वजीर आला पंजाब हैं उन्होंने आम की पेटियां जो सरकारी खर्च पे जो है सरकारी खर्च के ऊपर भिजवाई हैं, जिसके ऊपर ये अभी सारी बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो हुकूमत के शायद चाहने वाले हैं या उनके फॉलोअर जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन ये बात हमारा काम है आप तक पहुँचाना, तो ये भी इस वक्त एक बात सामने आई है जो सामने रखी गई है, उसकी रसीदें वगैरह भी तमाम इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तो आप जाके देख सकते हैं आसानी से, बल्कि व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप्स हैं उसके ऊपर आसानी से दस्तियाब हैं, तो आप देख सकते हैं वो कौन कौन से एंकर्स हैं, पसंदीदा एक चैनल है, अब देखने वाले पाकिस्तान में समझते हैं ये हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा पसंदीदा चैनल कौन सा है, बल्कि वो सरकारी चैनल की हैसियत अब इख्तियार कर चुका है, तो उसके जितने भी तमाम एंकर्स हैं उन सबको जो है वो आम की पेटियाँ बतौर तोहफा जो है वो पेश की गई हैं। और आप बहान यूथिया कौम को देखें कि कश्मीर का मामला भूल गई और वहाँ उसको बस ये कहने में कि तुम स्लट हो, तुम उसके साथ, तुम इसके साथ, तुम ये, तुम वो, इस तरह की, अच्छा वहाँ लिखने में और इनको कहने में बदतमीजी करने में नहीं है तो फिर बोलने में हमें क्या शर्म, जब ये सब खुद कर रहे हैं, इनका पूरा सोशल मीडिया लग गया पड़ गया पीछे, आप एक किसी एंकर के पीछे पड़ जाते हैं, वो आपसे सही सवाल कर लेता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, कोई एक चैनल आपसे सही सवाल कर लेता है आपको रोशनी दिखा देता है, आपको आईना दिखा देता है तो आपको बुरा लग जाता है, कोई पेशेंस और टॉलरेंस आपके पास है नहीं। वो इरशाद भट्टी साहब ने प्रोग्राम में कह दिया ना बैठ के कि जो कहते हैं ना शर्म गैरत और दो चार लफ्ज उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के इस्तेमाल किए इनके अपने ही उन्होंने तजाकार ने, उन्होंने जिस तरह के अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए ना वो बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किए कि इनमें है ही नहीं, इनमें है ही नहीं, पिछले वालों में तो शायद कुछ थोड़ी बहुत है भी जो पुराने हैं जो आगे पीछे, इनमें तो वो छूके नहीं गुजरे कहीं से, बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा लास्ट कॉलर को ले लेते हैं, उसके बाद सेगमेंट की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? हेलो, वालेकुम अस्सलाम, निजार आसानी बोल रहा हूँ। जी निजार साहब, हर घर में महंगाई का मातम है, जिसे देखो रोता है हजारों हजार, 110 रुपए किलो दूध, 200 रुपए किलो करेले, और 180 रुपए लौकी, और 150 रुपए भिंडी, महंगाई के आलम इन्हें लोग कहाँ जाएंगे। आज एक टीवी पे खबर आई है कि कराची में एजे की वबा फूट पड़ी है,
तो हुकूमत सिंध को ये चाहिए कि भाई हृदय के बचाव के लिए हिफाजत टीके लगाए जो गवर्नमेंट पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ठीक है। निजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत सिंध की जब तक चाय पानी नाश्ते में भर भर के मक्खियां खुद नहीं डलेंगी ना, तब तक हुकूमत सिंध को भी अकल नहीं आएगी और ना कराची की शहर की जो हुकूमत है उसको, ना शहरी हुकूमत को, ना जब तक इनके अपने खाने में मेरे तो दुआ है मक्खियां जाती रहें, पानी में, चाय में, हर चीज जिस चीज को डाल उसमें मक्खी ही नजर आए, ताकि इनको फिर अकल और समझ में आए कि इन्होंने क्या करना है। ये भी ना अहल ना लायक इनकॉम्पिटेंट और बैड गवर्नेंस की मिसाल हो गए। अगर कोई दुनिया में किसी की मिसाल देगा ना कि यार वेयर इज द बैड गवर्नेंस एवर इन दिस वर्ल्ड, तो वो सिंध हुकूमत का नाम आएगा टॉप नंबर पे, टॉप पे आएगा बिल्कुल जी। ऐसा बहरहाल उसका अवार्ड लेने में ये सारे फहरिस्त होंगे। बहरहाल एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं स्टूडियो देखते हैं। गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। आज मंडे का दिन है और आज हमारे खुशखुशी सेगमेंट होता है जिसमें हम बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, और ये पेड सेगमेंट होता है, यानी कि हमारे पास जो मेहमान होते हैं वो हम बुलाए जाते हैं और इस सेगमेंट के अंदर जो है वो अब बात करते हैं अपने तरीके इलाज के हवाले से। बहरहाल एक चीज़ की वजह ज़रूरी है कि हमारा काम है प्रोग्राम करना बीमारियों के हवाले से, जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेते रहिए, लेकिन इस प्रोग्राम से हमें कुछ सीखने को मिलता है और जो यहाँ तरीका इलाज बताया जाता है वो ज़रा गैर रवायती है। मेडिकल साइंसेज के लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ऐसे मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं जिनको शिफा मिल रही है बड़े गैर मामूली, उसमें जो हम देख रहे हैं कि बीमारियों के अंदर उनकी ट्रीटमेंट हुई और बड़ी जल्दी उसके रिजल्ट आए। तो यही वजह है कि प्रोग्राम के अंदर बार बार इस मौजू के ऊपर बात करते हैं और बहुत सारे लोगों को शिफा मिल रही है, तो इससे यकीनन फ़ायदा उठाया जा सकता है। फैसला आपने करना है और हमारा काम होता है हम डिस्कस करें। तो आप देखते हैं कि अक्सर डिस्क्लेमर चलता है जिसमें हम ये बात वजाहत से कहते हैं कि ये डिस्कशन के लिए है, फैसला करना ये आपका वो काम है। तो बहरहाल जी आज उस मौजू के ऊपर बात होगी बीमारियों के हवाले से आपके, और हकीम दीन मोहम्मद अखुंदज़ादा साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, आज भी हमारे मेहमान हैं, उन्हें सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आते हैं और हमारे जो देखने वाले उनके सवाल के जवाब भी देते हैं। और हमेशा मैं आपसे एक सवाल करता हूं प्रोग्राम के आगाज़ में, जो पहली दफ़ा प्रोग्राम देखते हैं उनको ज़रा पता चल जाए आपका तरीका इलाज क्या है, तो फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह सुभान तआला का बेहिसाब करम है कि मैं कुरान पाक की आयतों के जरिए और जड़ी बूटियाँ जिस पर मैंने 35-36 साल रिसर्च किए और उनके जरिए लोगों का इलाज करता हूँ। तो मेडिकल में जो काबिल इलाज हैं वो भी, जो नाकाबिल इलाज हैं वो भी, दोनों का इलाज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होते हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जैसे हमारे पास ये हमारा शहजादा लाहौर से आए, इन्होंने हमारे पास इलाज शुरू किया था, आज इसकी रिपोर्ट आपके सामने है जिसको आपसे पहले 10 डॉक्टर पढ़ चुके हैं जी। उन्होंने कहा कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते मेडिकल में कि ये बंदा ठीक हो सकता है, ये डॉक्टर्स की अल्फाज हैं। जो और कुछ कहा वो मैं कहने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो बात अभी आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले कही थी वही बात उन्होंने भी कही थी कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि मरीज़ ठीक हो सकता। अच्छा ये बात, चलिए मैं बात इसको, ये बात ज़रूरी है बताना कि इनकी रिपोर्ट्स ये मेरे सामने पड़ी हैं और वाकई इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं, क्योंकि मेडिकल साइंसेस के अंदर अगर ये रिपोर्ट दिखाई जाए जो डॉक्टर्स हैं जो समझते हैं, ये मुश्किल है वाकई इस बीमारी के अंदर जिस तरह की ट्रीटमेंट आपने की है, ख़ासतौर पर जो पेशेंट हेपेटाइटिस सी से स्ट्रगल कर रहा, ये रिकवरी जो हुई है ये वाकई मुश्किल है सी और फिर मैदे का कैंसर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शख्स के पास बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कैंसर का तो काम खत्म हो चुका जी, है जी, वो खाली थोड़ा सा दूसरा कोई मसला है, कोई आरएन का मसला है जी, जी, बस वो भी इंशाल्लाह 1-2 महीने में वो जाके वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 6 महीने के इलाज में ये इनसे मालूम दीजिएगा कि मुझसे पहले कहाँ कहाँ गए, कितने लोगों ने क्या इलाज किया, क्या क्या फीसें थी, वो फीसें सुन के मैं भी हैरान हूँ। लेकिन मैं भी एक इल्तजा करना चाहता हूँ आप दोनों से, आप अच्छे बोलते हैं मिश्री बोल रहा हूँ कि इतने फीसें लेने वाले कम से कम अगर इतना अगर हुकूमत पाकिस्तान खजाने में डाल दें तो हमारा कर्ज भी उतर जाए जी। बिल्कुल ऐसा ही साहब, कैसे इतफाक हुआ आप लाहौर में रहते थे, यहाँ कराची कैसे तशरीफ़ लाए, क्या बीमारी का, मैं चाहूँगा थोड़ी सी एक हिस्ट्री बता दें ताकि सुनने वालों को पता चले। जो मैं साजिद लुकमान मेरा पूरा नाम है, लाहौर से मेरा ताल्लुक है, टैक्स कंसल्टेंट हूँ और टैक्स एडवाइजरी से मेरा ताल्लुक है इनकम टैक्स के हवाले से।
मुझे को 8-9 साल पहले इस तरह से डायग्नोज हुआ था, तो ट्रीटमेंट तो प्रॉपर होता रहा, फिर मैंने सोआरडी मेडिसिन वगैरह भी खाई, 6-7 लाख रुपए मैंने उस वक्त भी लगाए थे। अच्छा, तो उसमें 40,000 रुपये की सिर्फ मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह आते, 6 माह का कोर्स था वो। उसके बाद वो ठीक हो गया, आर एन शायद क्लियर हो गया, लेकिन उसके कुछ 6-7 महीने पहले मुझे इसी तरह से दोबारा ट्रीटमेंट हुई कि एकदम मैं येलो हो गया हूँ और मेरे बाल नेल्स हत्या कि पूरी बॉडी मेरी पीली हो। मैंने डॉक्टर को दिखाया, जिस डॉक्टर के पास भी जाता था कोई, मैंने पहले डॉक्टर ने मेरे 40,000 के टेस्ट करवाए, तीसरे ने 38,000 के करवाए, चौथे ने 21,000 रुपये के करवाए, जो मैं लास्ट ट्रीटमेंट मैंने जो टेस्ट अपने करवाए थे वो 78,000 रुपये के। जिस डॉक्टर के पास भी जाता था उसने कहा कि या तो 5.5 लाख रुपये दे दें पर मंथ, आखिरी यानी कि इस तरह को 5 लाख को 6 लाख को, उसने को गाड़ी खरीदनी थी शायद, उसने कहा चलो ये आ गया तो गाड़ी की किस्त ये दे देगा। लास्ट जिसके पास गया हूँ एक चैनल 5 पे आते हैं महारवी साहब जी, उन्होंने कहा बड़े दीन वाले बड़े अल्लाह वाले, नाम लेना मुनासिब नहीं है, सब बात होता है अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई ऐसा काम करवाता है कि लोगों को एहसास कराता है कि यार ये वो मेरे नेक लोग हैं कि कोई ऐसा काम करो ताकि इनके पास पहुंचा जा सके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए मैं इसलिए आपको कह रहा हूं किसी भी, मैं हमेशा ये बात कहता हूं किसी अस्पताल का नाम लेना, कभी किसी उसका नाम लेना, किसी डॉक्टर का खास तौर पे थोड़ी सी घर में चले उसमें ये, लेकिन उन्होंने मुझे 3,28,000 रुपये। अच्छा, उन्होंने आपको अपने टीवी प्रोग्राम में किसी को देखा और उन्होंने आपको ठीक है, मैंने उनसे कोई डिस्काउंट तो उनका जी 3,000 रुपये डिस्काउंट कर दें। ठीक है, खैर अल्लाह ने मेरी जिसे कहते हैं कि दुआ कबूल की, जो भी कुछ किया। मेरी सिस्टर की बच्ची थी सीपी चाय, उसको शिफा मिली थी, उसके कुछ प्रोग्राम भी आए थे, उन्होंने फिर मुझे कराची बुलाया, यहाँ पे इनसे ट्रीटमेंट कराती थी। सीपी चाइल्ड का पेशेंट था वो और उसका क्या रिजल्ट रहा, उसको ट्रीटमेंट सही हुई थी सीपी चाइल्ड का, सीपी चाइल्ड का जी टीवी ठीक भी हुई थी और बकायदा उसके प्रोग्राम आपके मेरे ख्याल चैनल्स पे हैं, रिकॉर्डेड भी हैं सारे उसके हवाले से। फिर मुझे बुलाया तो हकीम साहब ने, जब इन्हें देखा तो फिर उन्होंने जो अपना इनका तरीकाकार होता है दम वगैरह किया, 7-10 दिन मुझे यहाँ रखा जी। और मेरे वेट के अंदर सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको बहुत गेन कर चुके हैं, मेरा 110 kg वजन अच्छा। था अब 84 kg है। पहले 7-8 दिन मैंने ट्रीटमेंट वो किया, उसके बाद 6 माह से मैं ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। परहेज बहुत सख्त करवाते हैं हकीम साहब, लेकिन मैंने परहेज इसलिए किया कि मैंने बचना था, मेरी जिंदा रहना था बिल्कुल। तो आप 6 माह के बाद आपके सामने हैं और मेरा ख्याल है कि मैंने अभी तक हकीम साहब को दवाई की मद में 25,000 से ज़्यादा नहीं दिया होगा। ठीक है, दवाएं अलग मिलती हैं और फ्री मेडिसिन पहुंच जाती है मुझे, ये सबसे बड़ी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ख्याल रखते हैं, वालदैन की तरह ट्रीट करते हैं। और मैं लाहौर में शायद माँ बाप के बाद सबसे पहले इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको ज़िंदगी और हयात दे, अगर ये हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो पाकिस्तान बचा हुआ, अदरवाइज मुश्किल है। मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर जोड़ दीजिएगा ताकि लोग मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं उनको रिपोर्ट्स दे सकूं। चलें ठीक है जी हकीम साहब, अब फरमाइएगा, आपने परहेज करवाया बड़ा सख्त, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है लोगों को परहेज करना, ये बात सही बिल्कुल है। कराची वालों के लिए भी बहुत मुश्किल है लाइफस्टाइल इतना, या सर अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप बच्चे बड़ा बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बड़े मोहब्बत वाला प्रोग्राम करते हो, लेकिन दो बातें मैंने सीखी हैं जी और मैंने आप दोनों को भी सिखाई हैं। मुँह का मज़ा छोड़ने से ज़िंदगी का मज़ा मिल जाता है, ऐसा ही है दुरुस्त, और मुँह का मज़ा लेने वाले ज़िंदगी मज़े से महरूम रहते हैं। बिल्कुल, आप कुछ भी खा लोगे लेकिन आपके पेट में नहीं रहना है, वो फारग हो जाना है। एक छोटी सी मसाल दूँ, एक साहब ने आके इतराज़ किया कि कुछ कुरान पाक के वाले से, मैंने पूछा जी आप मुझे ये बता दें कभी आपने कुरान पाक पढ़ के कोई फ़ायदा उठाया, बोला जी ये पढ़ के पानी पीता हूँ और मुझे शफा मिलती। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा उसके बाद आगे क्या होता है, बोला कुछ नहीं। मैंने कहा पेट में था आगे, बोला जी आगे मैं पेशाब करता हूँ। तो मैंने कहा कि आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए जितना मैंने पूछा है, मैं आगे बात नहीं कर सकता मेरे को सही, लेकिन ये बात तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि कुरान शफा है बेशक है और जड़ी बूटियों में भी शफा है, लेकिन जो दवाइयाँ हमने क्या की इसमें साइड इफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, अल्लाह पे यकीन है आइंदा भी नहीं होंगे और मज़ीद बेहतर दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं, और बना रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी रिसर्च चलती रहती है। लेकिन ये आपके सामने एक मसाल है कि इस शख्स ने मुँह का मज़ा छोड़ा जी, सबर किया, इस्तकामत की और आज अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया। इसकी रिपोर्ट 10 डॉक्टर पढ़ चुके हैं, जो बात आपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले कही थी सेम यही बात डॉक्टर ने कहा से बोला कि हम हल्फन कहते हैं हमारे मेडिकल में इसका इलाज नहीं है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है तो ये एक अल्लाह का मौजज़ा है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये वो बच्ची की बात कर रहे हैं, वो सीपी चार थी, ऐसे बहुत से आपके प्रोग्राम में और शरीक होंगे जो कभी हिले नहीं, कभी उन्होंने अपने हाथ से मक्खी नहीं हिलाई, जो 10-12 साल के भी हो चुके थे वो सिर्फ ऐसे पड़े हुए मक्खियाँ लगी हुई हैं, वो हिला भी हिलाने काबिल नहीं।
آج اپنی زندگی میں واپس آ گئے ماشاء اللہ. اچھا جی, اب اس کے علاوہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اگر چاہیں تو پروگرام میں رابطہ کر سکتے ہیں. اوپر اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبرز ہیں, یہ حکیم صاحب کے نمبرز ہیں, یہ ڈائریکٹ لائن ہے, اگر آپ چاہتے ہیں ان سے تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. اور نیچے ہمارے نمبر دیا گیا, یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. ابھی بات چیت ہو رہی ہے, بات کر سکتے ہیں, جی بات کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کے کوئی پیشنٹ ہیں خاص طور پہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے, اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو بات کر سکتے ہیں. حکیم صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہمارے پاس کالز موصول ہوتی ہیں بیماریوں کے حوالے سے, تو جو علاج تجویز کیا جاتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر کیونکہ پروگرام اب اویلیبل ہوتا ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھ نہ آ سکی ہو, سمجھنے سے قاصر ہو, تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کو اس کا جواب بھی مل سکتا ہے. تو یہ حکیم صاحب ہے. اب یہ ایک بڑی کامن بیماری ہو گئی, ایک بڑی عام بیماری ہوتی جا رہی ہے, بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں ہیپاٹائٹس جو ہے وہ پھیل رہا ہے. کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں گا تھوڑی سی اس بارے میں بھی بتائیے, کیونکہ پھر اس پوزیشن میں جا کر اس کو ہینڈل کرنا ایک بہت مشکل ہوتا ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے جی. بیماری کوئی بھی ہو یا سر, اس کو احتیاط کی ضرورت ہے جی. چاہے نزلہ زکام ہی کیوں نہ ہو, بالکل صحیح, بخاری کیوں نہ ہو, چھینکیں کیوں نہ آ رہی ہیں, سب سے پہلی چیز ہے کہ کوئی بیماری کوئی بھی, اس میں آلو چاول لیمبو املی اچار بڑا گوشت اور چنے کی دال کو سر سے بند کر. اچھا, اس کی میں چاہوں گا ذرا آج وضاحت بھی ہو جائے, ذرا سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس کو بند کرنے کی وجہ کیا ہے, تاکہ ان کے دماغ میں ایک چیز سم بیٹھ جائے کہ یہ کیوں نقصان دہ اور ہر بیماری کے لیے آپ کیوں تجویز کرتے ہیں کہ اس کو بند کرنا چاہیے. یہ چیزیں کچھ بادی ہیں جی, کچھ زیادہ ٹھنڈی ہیں جو نقصان دیتی ہیں. جو لیمبو کا زیادہ استعمال کرتے ہیں بڑے شوق سے کرتے ہیں, مزے لے لے کے کرتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, وہ کھانے پہ اس سے بغیر نہیں رہتے اور شکنجی کے بغیر نہیں رہتے جی جی جی. اور اس کو شرط سے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جوڑ جوڑ تکلیف میں آ جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ان کو تب بھی سمجھ نہیں آتی, جب وہ چلنے کے قابل نہیں رہتے تب سمجھ میں آتی کہ ہم نے کیا نقصان اٹھایا. میں اسی آپ نے کہا تھا, میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میرے ساتھ ایک صاحب, اللہ نے جنرل نصیب کرے, بہت پیارا نیک انسان تھا اور بالکل ان پڑھ تھا, لیکن اس کے پاس ذہن ایسا تھا کہ شاید کسی انجینئر کے پاس نہیں تھا, اور وہ کسی کمپنی باہر کسی کمپنی میں فورمین رہ چکا ہے. اس کا بیٹا کافی صحت مند تھا, بہت موٹا, تو میں اس کو بولا یہ چیز استعمال کرو, آہستہ آہستہ وزن کم ہونا ضروری ہے, ایک دم نیچے نہیں آنا چاہیے. جی جی بالکل صحیح کہا, جو نقصان دہ ہوتا ہے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ صبح اٹھ کے تو دو گلاس پانی میں دو لیمو نچوڑ کے نہار میں پیو اور یوں نیچے آئے گا؟ جی جی. اس کو کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی تو واقعی بچے کا وزن کم تھا. میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, آپ نے جو سوال کیا میں جواب دے رہا ہوں جی. اس نے کہا جی ایسا میں کر رہا ہوں, آپ لوگوں سب کے علاج کا کسی کام میں نہیں, بیکار ہے علاج ہے, ہمارا کا علاج کام کر, صبح دو لیمو گرم پانی میں چھوڑتا ہوں پیتا ہوں, وہ دیکھو میرا وزن ایک دم نیچے جا رہا ہے. تین مہینے بعد اس سے والد صاحب پوچھا جی, بولا 40واں ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 40واں ہو گیا. تو یہ چیزیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دیکھو, جوتی کا علاج میں نے سیکھا ہے, مجھے سیکھنے میں 35-36 سال لگے, دو دن میں نہیں آیا, اور ریسرچ بہت طویل کی میں نے. تو سب سے پہلا کام تو میرے لیے یہ تھا کہ سائڈ افیکٹ کسی چیز میں نہ ہو جی, بہت ضروری ہے. بالکل, میں اگر کوئی چیز بنا رہا ہوں تو اس کو میں بار بار سرچ کرتا ہوں کہ میں نے یہ چیز کھائی تھی پرانے وقت میں کھائی تھی, اس سے مجھے پیٹ میں درد تو نہیں ہوا, اور پھر میں دو اور کو بھی کھلاؤں گا, یا کہ یہ چنے کی دال ہے اس سے پیٹ میں درد تو معلوم ہوگا, چار میں سے تین کو نہیں ہوا, دو کو تو ہو چکا ہے, تو اس سے مطلب کہیں نہ کہیں خامی ہے جی. تو اس کی ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ چنے کی دال بے انتہا بادی ہے, بے انتہا بادی ہوتی ہے, بے انتہا بادی ہے. تو بادی چیزیں انسان کی صحت کے لیے بہت مضر ہیں, سب کے لیے اکولی نقصان دہ, سب کے لیے نقصان دیتے ہیں, سب کے لیے نقصان دیتے ہیں. آپ پکوڑے کھاتے ہیں, جو پکوڑے کھانے کے عادی ہوتے ہیں, ان کے بعد میں کیا حشر, پیٹ پھول جاتا ہے اور گیس کی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. لائیو کالر ہیں, ان کو شامل کر لیں جی. السلام علیکم. السلام, محمد عمر ریاض بات کر رہا ہوں, پاور جم گستان چوہر سے. واہ جی واہ جی, فرمائیے. بالکل ٹھیک. میرا سوال یاسر بھائی سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. جی جی. پہلے تو یاسر بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ, ہمیشہ کی طرح آج بھی. بہت شکریہ جی. یاسر بھائی, آپ کی جیسی باڈی بنانے کے لیے کوئی ہے مطلب کوئی دوائی؟ ہمیں تو پروٹین وغیرہ جو ملتا ہے. اللہ خیر کرے گا. چلیں ابھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں, حکیم صاحب سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں کہ ان کے پاس شاید کوئی فارمولا ہو, ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے, لیکن اب کوشش کرتے ہیں ان سے جواب لینے کی. اب بتائیے, بچے آج کل یہ بھی بڑا آپ کو پتا ہے نا, ذرا جم شم جاتے ہیں, ان کو ذرا ہیرو بننے کا ذرا شوق ہے. جس کو اللہ نے, چاہے لڑکی ہے لڑکا ہے, وہ عورت مرد ہے, جس کو اللہ نے بنایا تو بہت اچھا بنایا, بہت اچھا بنایا, بے شک بے حد اچھا بنایا. آپ نظام الہی پہ چلو گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, آپ سن دے کے دوسرے سے بننے کی کوشش کرو گے تو اپنے وجود سے بھی آپ فارغ ہو جاتے ہو. بالکل بہتر یہ ہے کہ جو دوسرے کو دیکھو اس کے لیے
माशाल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह आपको 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 सबको अल्लाह ने अच्छा बनाया, लेकिन अल्लाह ने हमें भी अच्छा बनाया। बिल्कुल आप अपने जैसे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं उमर साहब। अभी आप कॉल कर रहे थे, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश है। तो आलू चावल नींबू इमली अचार ये छोड़ दो, सुबह निहार मुँह दो अखरोट निहार मुँह खा लो, बहुत अच्छी बात है, और ऊपर एक कप दूध पी लो और दो घंटे नाश्ता ना करो, आप स्मार्ट हो जाएंगे। स्मार्ट हो जाएंगे जी। उमर साहब आपको जवाब मिल गया होगा, आप एडवांस बनने की, अगर हेपेटाइटिस सी ना हो इसको फॉलो करें जरूर। अगर हेपेटाइटिस, ये अच्छी बात आपने की, बिल्कुल जी। प्रोग्राम देख रहा था, तीन साल से दिन पर दिन मेरा वजन कम होता जा रहा है। आसिफ अब्बासी क्वेटा से आए हुए कराची इलाज के लिए। जी जी, मैं चेकअप के लिए आया था कराची, लियाकत नेशनल में दिखाया तो मुझे आराम नहीं हुआ, मैदे के अंदर जख्म भी है, दाने भी है छोटी आंत से, मुझे भूख नहीं लगती है, सांस मेरा फूलना शुरू हो जाता है, अगर मैं नवाला डालता हूँ तो मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इनके लिए बेहतर ये कि मेरे पास तशरीफ लाएं, देखिए बगैर फैसला नहीं होता है। एड्रेस बता देता हूँ, भादराबाद चार मीनार चुरंगी कोने पे ढाका स्वीट है, उसी के लिए मैं दाखिल हो जाएं, आगे बोर्ड लगा हुआ है हाजी दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है, सिर्फ एक दिन इतवार का होता है जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे का टाइम होता है, और अपने साथ 2 बोतलें पानी की लेके आएँ, भरी हुई लेके आएँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ कि ये हमेशा के मेरे पास कोई भी शख्स आने वाला दर्द की दुआ खा के ना आए, बिल्कुल सही, पेन किलर खा के ना आए, जिस तकलीफ में जितने दर्द में उसी हालत में आए, मुझे मेरे रब पे मेरा ईमान है कि मेरे पास सस्ता नुस्खा पर जाएगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है आचा साहब, एक काम आपने और करना है, ये स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हैं ये नंबर चल रहा है, ये हकीम साहब का नंबर है, आप इसके ऊपर कॉल कर लें। अगर आपको रास्ता समझने में कोई दुश्वारी हो तो इसके ऊपर आप टेलीफोन करके जो है वो रब्ता कर सकते हैं, आपको एड्रेस भी समझा दिया जाएगा, और मिलना ज़रूरी है, ये मिलना शर्त है। जब आप आएँ तो अभी जैसा हकीम साहब फरमा रहे थे कि आप कोई दर्द की दवा खा कर ना आएँ, अगर कोई आप दवा इस्तेमाल करें भले आप बाद में करते रहिएगा, लेकिन अभी वो आप दवाई इस्तेमाल करके कम से कम ना आइएगा तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि क्योंकि तकलीफ के वक्त में आता है ना, मेरे लिए आसानी होती है, आगे बढ़ता है, पहले बड़ी शदीद तकलीफ थी, अभी मैंने पेन किलर खाई, अभी नहीं है, ये नहीं चाहिए जी। बाकी सब दो ही खा सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स दर की दवा ना खाए, वो रोता चीखता हुआ है, वो मेरे लिए काबिल कबूल है। अच्छा, हम मश की जानिब भी बढ़ेंगे और मश पे जा रहे हैं, कॉल्स भी साथ में ले रहे हैं, पहले एक कॉल ले लेती हूँ फिर मश की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? रहीम यार खान से, सज्जाद अहमद बोल रहा हूँ। अच्छा, रहीम यार खान से बात कर रहे हैं, बड़ी दूर से। सज्जाद खान साहब, एक तो पहले काम ये करें, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, फोन पे बात करें। जी रहीम साहब से सवाल पूछना है। जी जी पूछिए। मेरे जिस्म पे दाने हैं छोटे छोटे बने हुए, डॉक्टर कहते हैं कि वो लाइकोमास है, इनका इलाज नहीं है। ठीक है, इनका कोई इलाज है हकीम साहब के पास? फिलहाल तो भैया आप काम में इसका तुम्हें जवाब देता हूँ, लेकिन अभी जहाँ जहाँ दाने वहाँ रख लो। ठीक है, तो आपके जहाँ जहाँ दाने वहाँ हाथ रख ले। जितने भी मरीज जहाँ भी हैं, दुनिया में जैसे का भी है, उसको जहाँ भी तकलीफ है, घुटने में, नाक में, पेट में, आंखों में, सर में, जहाँ भी तकलीफ है, वो हाथ रख लें। जो कुछ मैं पढ़ूँ मैसेज पढ़ लें, ना पढ़ सकता हूँ आमीन बोलते रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दर तकलीफ मारिए, जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म हो जाए, मशीरी खत्म हो जाए, जादू करने के नाले वाले मारियों के दिल माग फट जाएँ, जिन पे जादू हुआ उनको शफा मिल जाए, मुकम्मल शफा मिल जाए। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पर गालिब हो जाए, सारी कायनात हर मुल्क हर इंसान पाकिस्तान इस्लाम में ताबे हो जाए, पाकिस्तान दूरी बड़ी दुश्मन खत्म हो जाए, मशीर खत्म हो जाए, प्रसाद फराने वाले खत्म हो जाए, मशीर खत्म हो जाए, आप हम सभी रोजी को शादा हो जाए, मशे को शादा हो जाए, आमीन सुमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो। ये जो आपके सामने जो मश की है, इसके लिए छोड़ दें आप, इसके 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 बाद भी जिसको भी तकलीफ हो तो वो इसको देख के भी आपके प्रोग्राम को निकाल के देखें तो अमल करेंगे तब भी उनको इतना ही फ़ायदा होगा। बार बार फायदा अमन करेंगे तो उनको फायदा होता रहेगा। अब वो सज्जाद साहब हमारे साथ है, हम उनको बताएं कि लिकोमास है क्या। उनको अगर कराची आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आके इलाज करा लें, लेकिन ये नहीं कि इलाज नहीं है, इलाज है, दो काम करने पड़ेंगे जो यासर ने कहा था जी। कि प्रेस करनी है, दवाई खानी है और सब्र करना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तैयार करने की, अगर ये करेंगे तो ये ईमान बनाने के इंशाल्लाह मेरे रब पे यकीन है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक होगा। अब मेरे पास जो लोग आते हैं पूरा वजूद गला हुआ होता है, बाजू का तो ये आलम होता है कि वहाँ बैठना बहुत मुश्किल होता है, उससे वो दानों से इतनी भयानक बदबू आ रही होती है,
लेकिन चंद दिन बाद उसका जो वजूद बिल्कुल साफ हो चुका होता है, बिल्कुल आप की तरह मित्र साफ सुथरे होते हैं। बात वही आती है जैसे शराधे ने इतनी मेहनत की, इसने कोई चीज नहीं चखी, आज आपके सब रिजल्ट है। इस तरह आपको लाखों लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने सबर किया, यहाँ तक कि दुनिया की नियंत्रण सजी हुई है, शादी में जाते हैं यासर, आपको हैरत होगी, अपने घर से खाना लेके जाते हैं, बिल्कुल सही, लोग शादी खाना खा रहे हैं, वो अपना डब्बा खोला, अपना परहेजी खाना खाना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं इलाज जी, बिल्कुल, इसको बोलते हैं अपने वजूद के साथ ईमानदारी करना। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल ठीक। तो इनका भी चाहता नंबर दे दें, अगर इनसे रब्ता करना चाहे लाहौर में तो कर सकता है, अगर कहें तो ये अपना नंबर दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बता देंगे आपको, और आप देखने वाले जो प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और कॉल करके प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। बात हो रही मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, पाकिस्तान भर से ये कॉल्स जो रिसीव होती हैं, और तरीका इलाज वही है जैसा भी आपको बताया था, और कुछ लोग जो कराची नहीं आ सकते वो फ़ोन के ऊपर भी तजवीज़ ले सकते हैं, और ट्रीटमेंट जो है फ़ोन के जरिए भी, फ़ोन के ऊपर भी हो सकती है, तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, वापस आ रहे हैं, स्टेडियम देखते रहे, गुड मॉर्निंग कराची। फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन, और आज प्रोग्राम में हाजुद्दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। हाजुद्दीन मोहम्मद साहब आज इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और साथ ही उनके हमरा उनके एक पेशेंट भी है जिनका उन्होंने रिसेंटली इलाज किया है जी। बड़ी ही आज जो मुश्किल मेडिकल साइंस में अमराज है उसके हवाले से बात हो रही है, ख़ासतौर पर कैंसर जैसे मूजी अमराज, हेपेटाइटिस सी बी ए जितने भी हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। और जाहिर सी बात है अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली जो पानी आता है वो कंटेमिनेटेड वाटर, इस वक्त कोर्ट्स के हमारे सामने उसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स ने दिए हुए हैं। हम ये देखते हैं जो हमारी गज़ा है, गज़ा ख़ासतौर पे जिसके हम बात करते हैं, जिसमें दूध भी हो गया, चाहे बेसिक गज़ाए जो है उनकी बात कर लें, उनमें हम देखते हैं कि किस तरह की मिलावट है खानों में, मसालेजात में, फिर लाइफस्टाइल हमारा आप भी, और माहौलियाती जो आलूदगी की हम बार बार बात करते हैं वो यहाँ पे बहुत सारे, इस तरह क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पाकिस्तान का शुमार होता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हालात और माहौल कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से मूजी अमराज बहुत तेज़ी पकड़ रहे हैं। अभी जैसे कि आज हमने कराची की मक्खियों की बात करी, भी डॉक्टर्स ने बता दिया कि ख़तरनाक किस्म के जरासीम उसमें मौजूद हैं। सो बार बार हम कहते भी हैं, इस प्लेटफॉर्म से मैसेज भी दे रहे होते हैं कि अपना ख्याल रखें, आसपास का ख्याल रखें, जो आप चीज़ें इस्तेमाल करें उनको सोच समझ के इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल चीज़ों पे ना जाएं। ऑलरेडी जो हम चीज़ें खा रहे हैं वही इतनी ख़राब हैं कि फिर ये ड्रिंक्स ये वो उल्टी सीधी बच्चे चीज़ें खा लेते हैं, माँ बाप को पता नहीं होता, उल्टे सीधे जाके शॉप से चीज़ें ले आते हैं वो खा लेते हैं, छोटी छोटी सी मसालों की चीज़ें उन्हें पता होता। तो कोशिश करें स्पाइस का कम इस्तेमाल करें और बहुत सारी जो चीज़ें उनका ख्याल रखें। इसी ज़मन में हाजुद्दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ पीए को मौजूद होते हैं, और वो जितने भी अमराज हैं इस हवाले से बता रहे होते हैं, ना सिर्फ इन चीज़ों के हवाले से बता रहे होते हैं बल्कि जो उनकी रिसर्च है उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों का वैसे भी बता रहे होते हैं कि अगर आप किचन में ही अपने देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से आपको फ़ायदा मिल जाता है। जैसे कड़ी पत्ते के हवाले से आपने बीच में बात की थी, और भी बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे होते हैं, सब्ज़ियों का ख़ास तौर पर बताते हैं कि ऐसी हैं बहुत सारी जिनमें आपको शफा मिल सकती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके हवाले से जो है वो बात हो सकती है। क्या कहते हैं हाजुद्दीन मोहम्मद साहब? बिल्कुल सही है जी। देखें अगर हम आप ज़िंदगी में सादगी लेके आ जाएं, और टिंडा लौकी चोरी और करेला चार सब्जियाँ इनको ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी कि आपको डॉक्टर के पास से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। और अपने खाने में लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर इस्तेमाल करें, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, जीरा इस्तेमाल करें। अगर लाल मिर्च घर की बनी हुई है, घर में सुखा के आपने पाउडर बनाया तो वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन बाजार की लाल मिर्च इस्तेमाल ना करें। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, आपका वजूद महफूज रहेगा, आपका वजूद बीमारियों से आज़ाद रहेगा। तो ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं, और ये आने वाली नस्लों की बका सलामती का सवाल भी है, मेरा आपकी ज़िंदगी नहीं है, आने वाली नस्लों की सलामती का सवाल भी है। तो ये चीज़ें करेंगे तो आगे नस्लें हमारी महफूज रहेंगी, लेकिन जब मुँह के मज़े लेने की कोशिश करते हैं तो ज़िंदगी मज़े से पीछे रह जाते हैं। कोई भी बशर दुनिया का है, आप हों, मैं हूँ, साजिद रुकमान है, वो शख्स 100% सेहतमंद है, वो 3 दिन का भूखा है, इतनी सी सूखी रोटी पपूंदी लगी उसको झाड़ के खाएगा, उससे बड़ा मज़ा आएगा। अगर दुनिया के नेते से जा लो
उसमें 10 बीमारी लगी हुई, एक नवाला खाने के काबिल नहीं है, तो वो ज़िंदगी उसकी इस किसी काम की नहीं। वो ना वो खाने में गज़ा काम की है, ना उसकी जान उसे काम की है। मैं हमेशा इस बात को तरजीह देता हूँ कि आप ज़िंदगी की तरफ आओ, मौके मज़े की तरफ ना आओ। तुम्हारे पास ज़िंदगी है, खुशियाँ हैं, तो सब कुछ है। 20 साल पहले की छोटी सी बात ही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक साहब थे, वो कहीं से आया था, उसका मतलब है कफन दफन भी आ चुका है, कब्र भी खोद दी गई। डॉक्टर ने बोला 2-4 दिन की ज़िंदगी है। अल्लाह ने शफा दी, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद शादी की, बच्चे पैदा किए, आज अमेरिका में बैठा हुआ है। एक शफा किसी की बस की बात नहीं है, शफा अल्लाह ने देनी है। किस दुआ से मिलनी है ये कोई भी नहीं जान सकता, कम से कम मैं तो नहीं जान सका अभी तक, आंदा भी शायद मैं ना जान सकूँ कि किस और किस शफा मिलेगी। लेकिन मैं एक कोशिश करता हूँ, मेरी एक सजू है, रिसर्च है, कोशिश है, और अल्लाह पे यकीन, ईमान अटल है। अल्लाह शफा दे दे ना दे, लेकिन मेरा ईमान अटल है। मेहनत है, खास इंसान की मेहनत है, उसको 35-36 साल के दिन रात किया हुआ है, सारी चीज़ें बढ़िया। और फिर जो इलाज करा रहा है उसको भी मेहनत लगानी है, जब तक वो करेगा नहीं मेहनत, तो फिर उसको उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो ये सारे सिनेरियो जी, अच्छा स्क्रीन पर नंबर गिवन है, आप जरिए कॉल शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। कुछ देर रह गई है, उसके बाद फिर 11 बजे के करीब आप लोग ज़्यादा कॉल्स करते हैं, तो उस वक्त मैंने पहले भी कहा था कि उस वक्त कॉल्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त होता है, तो बीच में ज़्यादा कॉल कर ले करें, एक कॉलर उनको शामिल भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नसीम बात कर रही हूँ कराची से। जी जी फरमाइए, क्या कहेंगी जी? मुझे हकीम बिन मोहम्मद साहब से ये पूछना था, मेरे हस्बैंड के गुर्दे में पथरी है ना। जी जी जी, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन लिख के दिया हुआ है, लेकिन वो डरते हैं, ऑपरेशन नहीं करवाया है, तो क्या इनके इल्म के हिसाब से मतलब पथरी का इलाज दबाव से हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। इससे पहले हजारों लोगों को शफा मिली, लेकिन मेरा कोई दावा नहीं कि आपको शफा मिली नहीं, मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन आके इलाज कराएं और ये यकीन करें कि रब ने शफा देनी है, अखौनज़ादा ने सिर्फ कोशिश करनी है, दवाई देनी है और दुआ करनी है। और इससे पहले हजारों लोगों के कहना है गुर्दों से पथरी नहीं, पत्थरों के पूरे गुर्दे भरे हुए पत्थरों से, वो भी अल्लाह ने खाली किया, ठीक हुए। तो इंशाल्लाह ताला आप आएँ, लेके आएँ, आके इलाज कराएँ। मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ, कराची में बादराबाद 4 मीनार चुरंगी कोने पे ढाका स्वीट है, उसी गली में अंदर दाखिल हो जाए, आगे बोर्ड लगा वाजी दीन मोहम्मद का। रोज़ाना का टाइम दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 का टाइम होता है, एक दिन इतवार को होता है जो सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम में आप जब चाहें तशरीफ ला सकते हैं, लेकिन हर आने वाला 2 बोतलें पानी लेके आएगा आपके साथ, भरी हुई भरी हुई। जी ये ज़रूरी है, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए, इसके ऊपर आप कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, बात हो रही थी अभी परहेज के हवाले से, और अब क्योंकि बड़ी दबी आपको पता है गुजरी, हमारे यहाँ लोग मुंह के मज़े, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि ज़्यादा लेते हैं, बड़े गोश्त खा कर बहुत सारे लोग जो है वो परेशान भी हैं, तो इस बारे में ज़रा सुनने वालों को पता चले कि ये किस हद तक नुकसानदेह है। देखें, बड़ा गोश्त कोई भी शख्स खाता है, एक बात याद रखें कि खाली गोश्त इस्तेमाल ना करें, लौकी, टिंडा, तुरई, कभी कभी करेला भी गोश्त के साथ पकाएं, वो खाएं, और उससे आपको किसी हद तक बेहतरी मिलेगी। 100% नहीं, किसी हद तक बड़ा गोश्त कम से कम इस्तेमाल करें, जितना भी इस्तेमाल करते हैं लोगों को नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। कभी कभार खा लें, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब ये सब्ज़ी में पका के खाओगे तो उसकी जो ख़राबी है, जो इंसान को ख़राब करती है, वो आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होती है। अच्छा, और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जो लौकी, तुरई, टिंडा और करेला कहते हैं, यही ऐसी 4 सब्जियां हैं जो ज्यादा लोग नहीं पसंद करते खाना। मैंने यूजुअली देखा है कि लोग चिढ़ होते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें पसंद नहीं है, बच्चों में भी हैबिट डेवलप नहीं कर रहे होते घर वाले, माँ बाप ने उनमें खासतौर पर माइन नहीं करी होती है, और बच्चों को पसंद ही ये वाली नहीं होती, उनको ज्यादा पसंद ही होता है मटर, टमाटर, ऐसी वाली आलू, ये ज्यादा सब्जियां पसंद होती है। लेकिन जो शफा है वो इन 4 सब्जियों में कितनी हैरान कर बात है और कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको जवाब दूँ, बहुत बड़े काम की बात की। मैं आपकी कल की बात बता, एक साथ मियाँ बीवी बच्ची को लेकर आए, 32 साल उसकी उम्र है। अच्छा, एक पेशावर से कॉल है, आप ही की बात लूंगी, लेकिन पेशावर से कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं सलीम से बात कर रहा हूँ, पेशावर से। जी जी फरमाइए सलीम साहब। केस की शिकायत है जी, बहुत दवाई खाई लेकिन कोई फायदा नहीं होता, किसी की नहीं समझा, कोई इलाज या पार्सल वगैरह के जरिए दे सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी। किस चीज़ की बीमारी है आपको सलीम साहब? गैस बनती है। मैं जवाब दे देता हूँ मेरे भाई, आप बेहतर है कि आपको प्रोग्राम ख़त्म होने के आधे घंटे बाद आप मुझे मोबाइल पर फ़ोन कर लें, मैं आपको तफसील समझा दूँगा, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है,
میں ابھی ردا جو آپ نے بات کی اور اتنی بہترین بات کی ہے کہ جس کی ضرورت ہر بشر کو ہر گھر میں, 32 سال عمر بچی کی ہے, بچی ایب نارمل ہے, اس کا دماغ میں پانی بھر رہا ہے, یہ آپ نے سوال کیا اتنا اہم ہے, اس میں بڑی وضاحت کی ضرورت ہے. جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے دماغ میں پانی اوپر سے بول بنا ہوتا ہے, ان کو نہ نکلوایا کریں, وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے وہ جب پیدا ہوئی بچی تو پانی بھرا ہوا تھا تو وہ سینک کے لیے نکالی, نکالنے کے بعد دماغ سوکھ کے چھوٹا ہو گیا. اب 32 سال کی بچی ہے, اس کے لیے انہوں نے علاج کے لے کے آئے, تو میں نے بولا یہی کام کرنا ہوگا. بولا اس کی ماں کہنے گی یہ تو نہیں کرے گی, یہ تو نہیں کرے گی, یہ تو نہیں کرے گی, یہ تو نہیں کھائے گی, یہ تو نہیں کھائے گی. میں نے کہا بی بی جب یہ نہیں کھائے گی, یہ نہیں کرے گی, تو آپ اپنا کام اس پہ کیوں ڈال رہی ہیں؟ اپنے بولو سچ بول, تم یہ کرنے کے قابل نہیں ہو. بالکل صحیح. جب اسے محنت کری تو بولا جی ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا آپ جا سکتے ہیں, سیدھا بھیج دیا. بالکل صحیح. جب تم علاج نہیں کرا سکتے, جب تم اسے کہنے میں پرہیز نہیں کرا سکتے, دعائی نہیں کھلا سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, پھر تم علاج کیا کراؤ گے؟ ٹھیک کیسے ہوگا؟ یہ آپ نے تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو میں اس بات میں آپ کی بات سے تھوڑی سی وضاحت اور کروں. 100 میں سے 90% لوگ صرف انگلی کو تھوا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والے ہوتے ہیں, علاج لکھوانے والے نہیں ہوتے. وہ انہوں نے آنا 10 دن 20 دن آ کے کام کرایا, اس کے بعد وہ کیا نام ہے, تھوڑی طبیعت سنبھل گئی, وہ چلے گئے بولے ٹھیک. 6 مہینے بعد آ گئے جی, اس کا ٹھیک ہو گئے تھے, آپ دوبارہ تکلیف ہو گئی. وہ بھائی آپ نے علاج پورا کروایا تھا, نہیں ہمیں لگا تھا بہتر. اچھا یہ ایک ایک ہمارے لوگوں کا ایک پرسیپشن ہی ہے, سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوائی تو کھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ساری چیزیں ہم ہمیشہ کھاتے آئے ہیں وہ کھاتے رہیں گے, وہ ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن دوائی کچھ اندر جا کے ایسا کام کر دے کہ خود بخود ٹھیک ہو جائے, یہ لے کر آتے ہیں, سوچ لے کر آتے ہیں تو کیسے پھر ٹھیک ہوگا؟ لیکن اپنی سوچ بدلنی پڑے گی جی, ٹھیک ہونے کے لیے سوچ بدلنی پڑی. دیکھیں ایک خاتون میرے پاس آئی, اس نے 25 سال تک ناخنوں کا علاج کروایا, اس کے ناخن نہیں بنتے تھے, مطلب ذرا سے نکلتے یہاں سے ٹوٹ جاتے تھے. اس کا علاج ہوا ماشاءاللہ, اور کیا ناخن اس کے آئے. اچھا, کہ ماشاءاللہ جوابی نہیں, اس نے کہیں سے علاج کرایا, یہاں سے 25 سال تک انہوں نے بتایا کہ یہ ناخن میں دیکھ لیں, 25 سال اور 3 مہینے, یہ دونوں کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, وہ فوٹوگرافی ہے. تو انسان نے بولا جی ہمیں نہیں پتہ کیسے, ہم تو بہرحال ہم تو اپنے طریقے سے کرتے ہیں, تو جس نے علاج کیا وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے. حقیقت ہے کہ آپ کا ہمارا سب طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ حاجی دین محمد صاحب آپ کا, بہت شکریہ, اور کہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت. ساجد لقمان صاحب کا بہت شکریہ کہ لاہور سے تشریف لائے, اور بڑی مشکل میں یقیناً بیماری کی حالت میں, اور اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو جو ہے وہ شفا دی ہے, بڑی غیر معمولی آپ کی جو ہے وہ رزلٹس آئیں, رپورٹس آئیں, واقعی حیران کو نہیں ہے. جی لیکن سب سے زیادہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ رپورٹ پڑھتے ہیں. میں آپ کو, میں آپ کی بات کی ایک منٹ لوں گا صرف, جی آپ 50 ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں, اس میں شاید 2 ڈاکٹر رپورٹ پوری پڑیں گے, باقی لے کے آپ کو واپس کر دیں. جی جی, یہ میرے سامنے کی بات ہے. میں اپنی مثال میرے سامنے ہوئی تو میں اس کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا, لیکن یہ کہ آپ پڑھتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس کی تہ تک پہنچتے ہیں, اور یہ بات بڑے کام کی ہے. صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. جی اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتے جاتے ہیں. آج کے وارڈ روب کی بات کرتے ہیں. آج کا وارڈ روب اسپانسر کیا, ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی اینڈ شہباز علی. تھینک یو سو ویری مچ فار سینڈنگ اس بیوٹیفل ڈریس. اسی کے ساتھ جی پروگرام کا اختتام, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ, اور آپ کی کال کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر سیفی اور گڈ مارننگ کراچی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.